नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह, आप सभी का इजी एजुकेशन आरके में स्वागत करता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया, अभी बीच में गैप हो गया एक दो दिन का, बट डोंट वरी, अब कोई दिक्कत नहीं है और वीडियो टाइम से आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मैथ में औसत, एवरेज। एवरेज में आज आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप इमेजिन करोगे कि एवरेज आखिर इतना इजी कैसे हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक क्रम आता है औसत को, हम आपको छोटी छोटी चीजों से लेके चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्रमागत संख्याओं का योग होता है, तो औसत से ही आप योग निकाल पाएंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे हल होंगे तो हम लोग देखेंगे। जैसे आपसे हम ये कह दें कि क्रमागत 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, क्रमागत 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत का मतलब आज तक आपने पढ़ा है, औसत आपने पढ़ा है आज तक, औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या को एन से दर्शाते हैं, एन बराबर होता है पदों की संख्या, तो एन पदों की संख्या हो गई। कुल पद क्या हुए? कुल पद हुए एक से लेके 10 तक सभी का योग, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरीके से निकालने बैठेंगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आज के बाद आप ये चीजें देख पाएंगे कि वो चाहे एक से लेके 10 तक हो या बीच में 5 से लेके 6, 7, 8, 9, 15 तक हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, तो आप कैसे औसत निकाल पाएंगे, तो उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं कि एक से लेके 10 तक का औसत क्या होगा। औसत, और आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा समांतर माध्य। औसत का एवरेज अगर आपको हम बताएं तो एवरेज चीज होती है जैसे 10, 15, 20। अगर इससे पूछें कि आपका ये इसका एवरेज क्या हुआ, एवरेज का मतलब हो गया सबका योग बटे कुल संख्या। तो सबका अगर योग आप यहां से देखेंगे तो योग हो जाएगा 45, और बटे में कुल पद कितने हैं, पदों की संख्या, मतलब तीन पद हैं तो तीन पद लिख लिए, काट दिया, एवरेज 15 आ गया। कहने का मतलब है कि बराबर बराबर तीनों को बटना चाहिए। तो अगर यहां से आप देखेंगे कि एवरेज अगर हम यहीं पे 15 मान लेते तो इसमें 5 की कमी है, अगर इसमें 5 जोड़ें तब ये 15 होगा, और इसमें 5 घटा दें तब ये 15 हो गया। अगर इसमें 5 जोड़ रहे हैं, इसमें 5 घटा रहे हैं, काट दिया टोटल, यानी पूरा का पूरा 15 ही एवरेज हो गया। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर दो बातों में बोलें तो एवरेज वो चीज होती है सबको बराबर बराबर भागों में बांट देना, एवरेज कहलाता है। हमने बताया एक से लेकर 10 तक का औसत क्या होगा, तो एक से लेकर 10 तक का औसत, औसत बराबर, अब आपको ऐसे नहीं लगाना है, कैसे लगाना है देखो, हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको। पहला पद जो है यहां लिख लेंगे, पहला पद को हम ए मानेंगे, अंतिम पद को यहां लिखेंगे अंतिम पद को हम डी मानेंगे, ठीक है। पहला पद ए, अंतिम पद डी, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या जिसे हम एन मानेंगे, ठीक है। तो अब आज के बाद आप औसत ऐसे नहीं निकालेंगे, किसी भी क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है तो आप उसको लिखिए ए प्लस डी पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो, आपका औसत निकल के आ जाएगा। आपने जब निकाला इसको तो निकाला कि एक और 10/2 यानी 11/2, 5.5 इसका औसत आ गया। अब अगर यहीं से आपसे हम पूछ दें कि इसका जो कुल योग कितना होगा, तो योग जो होता है एक से लेकर 10 तक का, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपका जो औसत निकल के आया है इसमें कुल पदों की संख्या का मतलब एन का गुणा कर देना है, तो आपका तुरंत योग निकल के आ जाएगा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, और यही आपका फार्मूला पूरा बन जाता है। आपने पढ़ा होगा कि योग बराबर होता है क्रमागत नहीं किसी का भी, हम इसीलिए तो बता रहे हैं, हमने ये ए और डी इसलिए माना, नहीं तो हम क्रमागत संख्याओं का तुम्हें लिखाते, फिर एक बार ये लिखाते कि संख्या अगर बीच में होगी, मान लो क्रमागत का आपको पता है कि होता है एन बराबर एन प्लस 1/2, ये क्रमागत के लिए होता है, क्रमागत संख्याओं का योग।
पर हमने आपको योग वाली चीजें नहीं बताई, हमने आपको कोई भी एक्स वाई जेड संख्या हो, 1, 2, 3 से स्टार्ट ना हो, हम कह रहे हैं वो 14 से स्टार्ट हो, 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस डॉट 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 वो 200 तक चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम पद पहला पद जोड़ के बटे 2 कर दो, एवरेज आ जाएगा, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो योग बराबर अगर आपको बोले तो औसत जो इसका हमने क्या लिखा है, ए प्लस डी बाई 2, पदों की संख्या n, तो इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, n कोष्टक a प्लस डी पूरे का बटे 2, और यही इसका फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से लगेंगे और टाइप्स इसकी क्या क्या है वो हम सारी एक तरफ से लेके चल रहे हैं और एक एक क्वेश्चन साथ में लेके चलेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए बट इसमें बहुत सारी आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो पहले तो आप एक तरफ से हम चल रहे हैं क्रमागत, यहां पे ये हमारा पहला पॉइंट रहा, पहले पॉइंट में 1 से लेके 2, 3, 4, 5 डॉट 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 हमने लिख लिया 15 का औसत। औसत पूछ लिया है, औसत क्या होगा आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत सोचना है, 1, 15 लास्ट मतलब दोनों को जोड़ दिया बटे 2 कर दिया, 15, 1, 16, 8 आ गया इसका औसत, देखते ही देखते आंसर कैसे 8 आ गया। हमने बताया औसत में आपको कुछ नहीं करना है, औसत बराबर होता है a प्लस डी बाई 2, ठीक है, a प्लस डी बाई 2 तो मतलब हो गया 1 प्लस 15 बटे 2 बराबर हो गया 16 बटे 2 बराबर हो गया 8, इसका औसत 8 हो गया। अगर यहीं पे हम आपसे पूछते हैं इनका योग कितना होगा, तो योग के लिए क्या करना है, योग बराबर हमने बताया आपको औसत गुणे n, तो n क्या है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है, लास्ट तक कितने पद हैं, 15, n बराबर 15 पद हैं, अंतिम पद d बराबर कितना है 15, a बराबर 1, वो तो चीज हम निकाल ही चुके हैं उसका कोई मतलब नहीं, बस n पता करना है, 15 है इसका मतलब 8 गुणे 15, 15 8 होते 120, आप जोड़ के देख लीजिए 1 से लेके 15 तक संख्या जोड़ेंगे तो आंसर 120 आएगा। यो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा इसी टाइप में चीजें कैसे बदलती हैं। तो अब कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं ऐसे कि अगर इसी का वर्ग हो जाता है या सम संख्या ले लेते हैं, मान लो यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि सम संख्याओं का औसत, तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 हमने माना कि हमने चलो इतनी मान लिया कि कितनी 4 संख्या, एक और संख्या लिख ली, उसमें क्वेश्चन में दिया गया होगा आपको कि 10 संख्याएं या 15 संख्याएं या 12 संख्याएं औसत के लिए दी गई होंगी, तो जितनी संख्याएं दी जाए वही संख्या जो होती है आपकी संख्याएं, संख्याएं ही n कहलाती है, संख्याएं ही n कहलाती हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे n बराबर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, n बराबर 5 मतलब संख्या जो है पद है वो 5 है, a बराबर 2, d बराबर 10, हमें पूछ रहा है इसका औसत, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर होता है आपने पढ़ा है पहला पद प्लस अंतिम पद, यानी 2 और 10 दोनों को जोड़ देंगे भाई, a प्लस डी बाई 2 कुछ करना ही नहीं है, 2 प्लस 10 बटे 2 इसको देखेंगे तो 12 बटे 2 काट दिया आ गया 6, और यही इसका आंसर हो गया, औसत बराबर आ गया 6। अगर यहीं पे पूछते हैं इनका योग कितना होगा, तो योग में भी कुछ नहीं करना है आपको, योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर होता है औसत गुणे n, तो n आपको पता है 5 है आपका, तो 6 गुणे 5, 6 5 30 होता है, इनका योग आप करके देख लीजिए, देखो 8, 2, 10 और 10 ये 20 हो गया और 6, 4, 10 टोटल 30 हो गया, योग 30 हो गया, यहां भी तो योग 30 आ रहा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, बस आप तरीकों को समझें और आगे बढ़ें। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, वो चीज हमें यहां बताना नहीं चाह रहे थे, पर कोई बात नहीं, अब आपको हम वो भी बता के तभी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि 5 संख्याओं का औसत
ऐसे क्वेश्चन दे देता है, पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत ये सम संख्या, पांच सम संख्या यहां लिख लेते हैं, पांच सम संख्या, पांच सम संख्याओं का औसत सात है। दरअसल ऐसा होता है ना कि सम संख्याओं का औसत कोई भी संख्या हो, सम संख्या का औसत हमेशा सम आता है। तो हमने यहां लिख लिया पांच संख्या, सम संख्याओं का औसत कितना है, आठ है। तो अंतिम पद और, अंतिम पद और प्रथम पद बताओ, प्रथम पद क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना होता है, संख्या आपको दी गई पांच, पांच सम संख्याओं का औसत आठ है, इसका मतलब है कि संख्या जो है हमने लिख लिया औसत। ऐसे क्वेश्चनों में आप देखो बस आंसर देखते देखते देंगे कि औसत आठ है, टोटल संख्याएं कितनी है पांच। ऐसे क्वेश्चनों में प्रथम पद जब आपको निकालना हो, प्रथम पद आप यहां ऐसे लिख लो, प्रथम पद आप लिखो आठ जो औसत दिया गया है इसको। अब अगर आपको लिखने के लिए बताएं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि औसत प्रथम पद के लिए होता है माइनस, यहां पे आप लिखेंगे एन माइनस वन, ठीक है। और अंतिम पद के लिए आप लिखेंगे, अंतिम पद के लिए हमेशा के लिए है ये औसत प्लस एन माइनस वन। एन माइनस वन इसलिए कर दिया कि जितने पद आपके दिए गए हैं वो पांच पद, तो एन बराबर पांच हो गया आपका। ये तो औसत एवरेज था, ये क्या था एवरेज, एवरेज कितना था आठ। तो आपने लिख लिया अगर प्रथम पद निकालना है आप यहां रख सकते हैं आठ माइनस पांच में से एक गया, मतलब एन बराबर पांच है तो पांच में से एक गया, चार बचा, तो आठ में से जब चार चले जाएंगे कितना बचेगा चार। तो पहला पद इसका चार, अंतिम पद पूछ रहा है तो औसत की जगह आठ प्लस एन की जगह पांच माइनस वन यानी चार हो गया, इसका मतलब आठ और चार बारह आंसर हो गया आपका। आप देख सकते हैं कितनी आसानी संख्या क्या हो जाएगी, पांच पदों की, चार छः आठ दस और बारह, इसका औसत आप देख लो आठ आ गया औसत, ठीक है। औसत ही औसतन समांतर माध्य के रूप में काम करता है। अब आप देखो कि अगर औसत आठ है तो इसका मतलब इसमें दो की कमी, दो और होता तब ये आठ होता, इसमें चार और होता तब ये आठ होता। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें से चार निकालें तब आठ होगा, इसमें दस में देखें दो निकालें तो ये प्लस का दो, अगर देखें तो ये प्लस का है भाई, वैसे तो ये प्लस का है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या करना है इससे दो कम करना था। तो इसको आप ऐसे लिख लो कि ये माइनस दो, इसमें कमी है चार की, इसमें चार देखें इसमें दो देखें, दो से ये वाला दो कट गया, चार से ये वाला चार कट गया, टोटल संख्या घूम के वही रहेगी, ठीक है। तो यहां आप समझ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वो लेते हैं जब स्क्वायर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, क्वेश्चन बना बनाया रखा होगा, औसत दिया गया होगा, अगर औसत नहीं दे रहा होगा तो प्रथम पद दे रहा होगा और पदों को बोल रहा होगा लगाने के लिए, तो आप वहां से भी रख के लगा सकते हैं। औसत क्या है, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को निकालेंगे और अंतिम पद प्रथम पद को जोड़ के दो का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। और यहीं पे अगर योग निकालना होता तो योग के लिए भी बता दिया है क्या करना है, औसत गुणे पदों की संख्या। चलो अब बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन लेते हैं जिन क्वेश्चनों में वर्क कर दिया जाता है। हमने कहा कि एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, हमने लिख दिया आठ का स्क्वायर। हमने पूछा इन पदों का योग या औसत क्या होगा, तो इनके औसत के लिए फार्मूला आप डायरेक्ट लिख लो, इनका औसत बराबर होता है, इनका औसत होता है एन प्लस वन, एन आप जानिए पदों की संख्या, टू एन प्लस वन पूरे का बटे छः। और अगर यहीं पे योग पूछ दे तो, जब योग पूछ देता है पदों का योग, तो पदों का जब योग पूछ देगा तो कुछ नहीं करना होगा, ये जो औसत रखा है हमेशा यही होता है नियम, औसत गुणे एन आप ध्यान रखना।
तो अगर इसका हम देखें तो इसमें एन बराबर हम अपने कितने है, एन बराबर 8 है, प्रथम पद कितने है, ए बराबर 1 है, इसमें ए की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सवाल डायरेक्ट लग जाएगा, आप यहां देख सकते हैं और वो दिया भी गया होगा आपको ऐसे ही। तो औसत एवरेज एवरेज बराबर आप लिखेंगे एन, तो एन की जगह कितना है 8 है आपका, तो लिखेंगे आप 8 प्लस 1, और यहाँ 2n मतलब 8 दूनी 16 प्लस 1 पूरे का बटे 6, तो आप यहाँ देखें हो जाएगा 9 गुणे 17 बटे 6, काटेंगे जब आप तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 17 51 बटे 2, इसको आप काटेंगे तो 25.5 आ जाएगा इसका आंसर। औसत इसका निकल के आया 25.5। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि इसका योग क्या होगा तो n का गुणा और कर देंगे, तो n बराबर कितना दिया गया है, ये औसत निकल के आ गया। अगर इसी में योग पूछ दे तो 25.5 गुणे 8 तो होता है, n बराबर 8 दिया गया है तो n रख दिया 8, होता है 25 अट्ठे कितना होता है 200, और 8 5 40 4 204 अंश का आंसर हो गया। आप देख सकते कितना आसान है, क्वेश्चनों में कुछ है नहीं। चलो अब क्यू की ओर चलते हैं, इतनी चीज समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल औसत आप निकाल लो, बस एन का गुणा कर दो तो योग आ जाता है, पहले औसत निकालना सीख जाओ, औसत के बाद ही सारी चीजें होती हैं। अब देखो हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन, जब क्यू कर दे यहीं पर, अगर कर दे 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 डॉट 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 डॉट, हमने लिख दिया 9 की घात 3, तो यहां n बराबर कितना हो गया, कुल पद कितने हो गए 9, n बराबर 9 आ गया। इसके लिए औसत का फार्मूला होता है, फार्मूले याद रखना, बस एक बार याद करना है आपको, n n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4, ठीक है। योग पूछते तो योग में हमने बताया हमेशा कुछ नहीं करना है, योग को क्या करना है, औसत गुणे एन करना है, पहले औसत निकालना सीख जाओ, गुणे एन कर दो वही उसका उत्तर हो जाएगा योग, ठीक है। तो एन अगर आप इसको निकालेंगे तो एन बराबर 9 दिया गया है, तो जब इसमें आप रखेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, यहां आप करेंगे 9 9 1 10 का होल स्क्वायर बटे 4, आप देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं कि 9 गुणे 100 बटे 4 काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा, 25 नेमा होता है 225, ठीक है। तो 225 तो इसका औसत निकल के आ गया, कितना 225, हमें निकालना है योग, तो औसत गुणे एन, तो 225 गुणे एन कितना दिया गया, एन बराबर 9 दिया गया, तो 9 का गुणा करना है, तो 25 नेमा होता है 45, हासिल लगा 4, 9 दुनिया 18 4 22 की 2 हासिल लगा 2, 9 दुनिया 18 और 2 20, इसका योग आ जाएगा 20 और 25, मतलब 2025। आप देख सकते हैं कितना आसान है, फार्मूला बस एक बार याद करना है, क्यू के लिए ये फार्मूला है, उसका योग निकालना है गुणे एन कर दो, किसी का भी हो आप उसका औसत निकालना सीख जाओ वहीं से उसका योग निकल आता है। तो चीजें दो बार हम क्यों सीखे, हम एक ही बार सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे हम उन क्वेश्चनों को लेंगे जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि 3 का गुणज 3 के साथ गुणजों का औसत, क्या होगा, तो इसके देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम एरर बना है, गुणजों का योग पूछता है डायरेक्ट, योग क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना है योग बराबर। अब देखो 3 के साथ गुणज पूछ रहा है, 3 गुणे
एक अधिक गुणज रखो, 8/2, ठीक है, ये आप योग निकालना है। अगर यहीं पे आपको औसत निकालना होता तो आपको कुछ नहीं करना होता, नीचे बस गुणे संख्या कर देनी होती तो औसत हो जाता। तो आपको हम औसत सिखा दें, औसत के बाद आप क्या करेंगे, आराम से खुद क्वेश्चन को लगा लेंगे। औसत में क्या करना है, औसत बराबर होता है, अब यहां देखो, अगर यहां हम ये लो क्वेश्चन को ये लिखते हैं, 3 के 7 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां बताइए n क्या हो जाएगा आपका, तो n बराबर आप देखेंगे 7, कुल पद कितने हैं, 3 के 7 गुणज कह रहे हैं, तो n बराबर 7 हो गया। औसत का आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि औसत बराबर होता है, गुणजों के लिए औसत होता है, पहला पद, यानी हम इसको पहले पद को हमेशा क्या लिखते हैं, ए, तो हम लिख सकते हैं, चलो लिख रहे हैं पहला पद, एक बार चीज समझ जाओ आप, गुणे n+1/2n, ठीक है। अब ये 2n क्या है, आप चीजों को आगे समझ पाएंगे, हमने आपसे बोला है पहला पद, तो पहला पद आपका क्या है, 3, गुणे n+1, 7 × 8/2, इसको आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 × n कितना है, 7, तो काट देंगे तो हो जाएगा 4, होता है 4 × 3 = 12/7। तो आप अगर इसका औसत देखेंगे तो टोटल औसत निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन में है 3 के 7 गुणजों का औसत क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है 3 के 7 गुणजों का औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए क्या करते हैं, ये जो है आपका ये प्रथम पद है, प्रथम पद इसका मतलब अंतिम पद क्या होगा, तो 7 × 21, अंतिम पद अगर हम देखें तो अंतिम पद होगा 21, और n बराबर कुल पद, तो कुल पद अगर देखेंगे तो आप n बराबर आएगा आपका 7, कुल पद 7 ही होंगे। तो इसके लिए औसत का फार्मूला होता है कि औसत बराबर होता है प्रथम पद गुणे n+1/2, ये औसत होता है, ठीक है। और अगर यहीं पे योग पूछ देता है तो योग में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो औसत निकल के आ जाए उसमें गुणे क्या करना है, एन करना है, गुणे एन, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, योग, ठीक है, इतना दिख रहा है साफ साफ। तो पहले तो आप औसत निकालें, तो औसत निकालेंगे कैसे भाई, देखो 3 के 7 गुणज पूछ रहे हैं, 7 पूछा है तो आपको 8 का गुणा करना है, यहां पे अगर 8 पूछता है तो 3 के साथ 9 का गुणा करना होता है, एक बढ़ा के गुणा करना है, तो 2/2 कर देते हैं। तो भाई प्रथम पद हो गया 3 गुणे n+1 का मतलब 7 पद दिए थे, n बराबर 7, तो 8 का गुणा करना है, 8/2 काट दिया, 4 × 2 = 8, 12 आ गया, इसका औसत 12 आ गया। अब इनका योग निकालना है, तो औसत 12 आ गया गुणे 7 × 7 = 84, आप इनको करके देख लेना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 7 पद हो गए, देख लो आप, तीन ये इसका औसत निकल के आ गया बीच वाला, अब इन सबको जोड़ लेना, 84 आएगा, और यही इसका आंसर है। तो आप यहां तक तो औसत को समझ पाए होंगे, औसत में हमने ये चीजें बताई हैं आपको, ये बहुत कम्पिटेटिव एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वर्गों का योग या वर्गों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। तो हमने आपको आज औसत और साथ साथ में उनका योग भी बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, उसमें आपको बहुत सारे औसत की चीजें, क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन हम देंगे जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आते हैं, और आप क्वेश्चन को औसत एवरेज के क्वेश्चनों को आप केवल देख देख के आंसर दे पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये प्रैक्टिस आप कहाँ से खुद करें, कोई किताबें हों उन किताबों से क्वेश्चन, या स्वयं क्वेश्चन बनाएं,
अपने आप कोई भी संख्या एक्स वाई जेड क्रम से मान लें और आप उसको लगाएं। उसके बाद जब आप उसको लगाएंगे तो उसमें जो समस्या आएंगी आप उनको समझेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।